सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल भरे दिन देखने, काटने और परेशान होने के लिए नहीं होते। ऐसे दिन तो लड़ने, सीखने और मुश्किलों के साथ मजा लेकर उन्हें दोस्त बनाने के लिए होते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा का वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से फल देता है। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 1:48 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज आप विशेषकर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगे। स्वास्थ्य या आर्थिक चिंताएं अभी आपको परेशान कर सकती है, जिससे आप बंधा हुआ या सीमित महसूस कर सकते हैं। अपने विश्वासों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करें। अपनी देखभाल के लिए समय निकालें क्योंकि बदलाव अभी निश्चित है। तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दें। दिन का आरंभ सकारात्मकता से होगा। आज का दिन गतिशील है जिसमें आप ऊर्जा का सही प्रयोग करेंगे। अचानक कोई समस्या आ सकती है किंतु आप उसका सामना अच्छे से करेंगे। याद रखें, इंसान की परख तब नहीं होती जब वो आराम और सुविधा से रह रहा हो, बल्कि तब होती है जब उसका सामना चुनौती और विवाद से हो। महिलाओं के लिए आज के दिन कोई खास उपलब्धि लेकर आ रहा है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगी और यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। किसी समारोह में जाने का भी आमंत्रण मिलेगा। अपने हर एक काम को ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है, वरना छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेते समय अन्य लोगों की राय जरूर ले। पैसों से संबंधित आवक न बढ़ने की वजह से चिंता महसूस होगी, लेकिन अपने काम को ठीक से करते रहें। विवाह से संबंधित मनचाहा प्रपोजल अचानक से मिलेगा। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण नजर आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों के सहायकों के लिए अच्छा समय है। मंत्रियों के सहायकों के लिए अच्छा समय है। कंपनी के आईटीओ या समक्ष अधिकारियों के लिए समय परीक्षा वाला सिद्ध हो सकता है। सिविल इंजीनियरों के लिए करियर के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। विचारों में दृढ़ता रह सकती है। रेस्टोरेंट ढाबे वालों के लिए अनुकूलता रह सकती है। किसानों को उपज का अच्छा दाम मिलने का सुख मिल सकता है। तालमेल रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकरों और एफएम चैनलों के आरजे को प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। किसी मित्र से सुखद समाचार मिल सकता है। अपनी बात पर टिके रहें। स्वराज्य अधिकारियों के लिए समय चुनौती भरा है। फैशन आइटमों के कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। भारी भोजन से बचें। सावधानियां, ध्यान रखें कि कोई पुराने मुद्दे उठने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। बेहतर होगा कि व्यर्थ की बातों पर ध्यान ही न दें। लेन देन करते समय सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की उधारी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी में सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी गलत फहमियां बढ़ेंगी। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपकी
खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करेगा, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बात के बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हो कि पहले आप प्रपोज करें, उनके साथ कुछ समय और बिताएं, आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। अपने साथी के लिए अपने मन में जो प्यार भरा है वो आप व्यक्त करेंगे। ये लम्हे आपके लिए अनमोल है, इन्हें संभाल कर रखें। व्यापार में हानि और सामान की चोरी को लेकर सतर्क रहें। आपका आज का दिन शुरू हो रहा है आशावादी दृष्टिकोण से, जिसमें आपको अपने चारों तरफ चमत्कार देखने को मिलेंगे। अपने रिश्ते को लेकर आज आप स्वयं को भाग्यशाली मानेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप आज कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे उन्हें पसंद है, बस आप उन पर भरोसा करें। बात करते हैं करियर की। अपने अधिकारी या मालिक से प्रशंसा और पुरस्कार पाने के लिए आज का समय अच्छा है। अभी अच्छा भाग्य आपके साथ है, जिसके कारण आप खुश और संतुष्ट हैं। इस समय करियर में परिवर्तन के बारे में न सोचें, नए रास्ते को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें और लेन देन से बचें। आज का आधा दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज के गतिशील दिन का आप पूरी तरह से मजा लेना चाहते हैं। किसी खास कार्यक्रम के अंतिम चरण में कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती है, जिन्हें आप बखूबी हल करेंगे। इंसान के सही परख खुशियों या आराम में नहीं, बल्कि चुनौतियों और कठिनाइयों के समय होती है। आप उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में एक कदम दूर हैं। चीजों को आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें। जो उचित है उस विचार को रखने में आप जरा भी ना घबराएं। इस समय बेहतरीन व्यवसायिक परिस्थितियां बनी, यह समय अपने संपर्क सूत्रों और कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का है। कार्य क्षेत्र में उचित अव्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन और नियमों को और अधिक मजबूत करना होगा। बात करते हैं सेहत की। पैर में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है, अपनी नियमित जांच करवाएं तथा बेहतर इलाज लें। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए हैं या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली है। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाए अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।